आइए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताते हैं। द्विघात समीकरण, ऐसी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इक्वेशन होता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे जो a लिखा होता है ये इसका गुणांक होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूले के द्वारा भी होता है और फैक्टर का सिस्टम भी है। जब हम इसको सॉल्व इज इक्वल है ना, तो यहाँ जो भी वैल्यू आती है एक्स की, जब एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम रूट्स कहते हैं, मूल कहते हैं हिंदी में। जो ये मूल होते हैं उनको जानना होता है कि अक्सर एग्जाम वगैरह में इनके रूट्स के बारे में ही इंक्वायरी की जाती है, पूछा जाता है आपसे कि क्या बेसिक जानकारी है। तो ये रूट्स क्या हैं, जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर सिस्टम है एक, और एक है डायरेक्ट फार्मूले से। तो आइए थोड़ा सा हम फार्मूले के बारे में बताते हैं। तो फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब देखिए ये बी है, बी है, ए है, तो ये जो वैल्यू इसमें गिवन है यहां से आपको यहां पर रखना है। तो इसके बाद ए प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब है हमेशा जितनी मैक्सिमम पावर होती है यानी टू है तो जो इसके रूट्स आएंगे वो दो आएंगे, एक बार प्लस करने पर और एक बार माइनस करने पर। ये वैल्यू देखिए फिक्स हो जाएगी, ये वैल्यू जब आएगी तो इसको बी में एक बार जब प्लस करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू को हम अल्फा कहते हैं, एक्स की जो पहला रूट आता है उसको अल्फा कहते हैं। और अल्फा के लिए देखिए फार्मूले में हो जाता है प्लस अंडर रूट, इस नंबर को हम डी भी कहते हैं, ये डी है। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये अल्फा कहलाता है। और बीटा फिर होता है, बीटा दूसरा रूट जो होता है उसको बीटा कहते हैं। तो ये बीटा क्या होता है, यहां पर माइनस हो जाता है। तो एक ही बार में लिखा गया था माइनस बी प्लस माइनस खत्म, अब यहां पर केवल माइनस, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस तरीके से आपको ये दोनों रूट मिलते हैं। और अगर कहीं किसी सवाल में इस तरीके से होता है कि रूट्स गिवन हो और इक्वेशन मालूम करनी हो, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। अगर रूट्स, एक पहला रूट्स है और ये दूसरा रूट्स, तो ये दो रूट होते हैं जो एक्स की वैल्यू होती है, इन दोनों को यहां फिट करके हम इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, ये इक्वेशन मालूम हो जाएगी। और जब इक्वेशन गिवेन हो रूट्स निकालना हो तो इसके पहले वाले फार्मूले से यूज करते हैं। अब इसको हम कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं। कैसे, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है किसी दो नंबरों का सम इतना हो जाता है, मल्टीप्लाई इतना है, ऐसा होने पर हम देखिए डायरेक्ट इस फार्मूले में करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स भाई एक्स वाई, अब यहाँ पर वैल्यू कोई आ गई, या फैक्टर विधि से, या हम फार्मूले से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो निकलता है ये डायरेक्ट फार्मूले से भी है, अब फैक्टर विधि और वो दोनों। देखिए रूट्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है, रूट्स क्या होते हैं, जो एक्स की वैल्यू है जो भी निकलती है वो रूट्स, और रूट्स की के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रूट्स का के लक्षण क्या होते हैं, ये भी एक बार समझने की जरूरत होगी। ये पूरी तरह डिपेंड करता है, देखिए फार्मूले को ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो यहां पर ये वैल्यू पूरी तरह इसको चेंज कर देती, बाकी ये वैल्यू तो फिक्स है दोनों में ना, अल्फा और बीटा में दोनों वैल्यू फिक्स है। तो ये जो वैल्यू आती है कभी कभी जैसे ये आ जाए, यहां पर जीरो आ जाए, अब ये जीरो आ गया तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो,
अगर जीरो हो गया तो क्या बना, माइनस बी अपॉन टू ए, केवल ये वैल्यू बन करके आएगी। अगर ये कहीं रूट वाला कंप्लीट स्क्वायर नंबर कोई आ गया, तो अगर ये स्क्वायर नंबर आ गया तो देखिए रूट निकल जाएगा इसका, मतलब कोई जैसे फोर आ गया, तो फोर आ गया तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये टू आ जाएगा, कंप्लीट नंबर आ जाएगा। मतलब जो परिमेय नंबर संख्याएं होती हैं, अपरिमेय परिमेय रेशनल इरेशनल नंबर जो होते हैं, उस पर भी डिपेंड करने लगेगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। तो ये एक तरीका है, लेकिन